बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। वेलकम टू एजेंडा 360, मैं हूं मोहित जाफरी। आज हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से और कल होने वाले फाइनल के लिए के हवाले से। वी आर लाइव, हम कवर करने की कोशिश करेंगे लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम के सामने से। हम अपने पास्ट एक्सपर्ट क्रिकेटर्स एंड कैप्टन्स के से बात करेंगे और हम अपने सियासी नुमाइंदों से भी पूछेंगे कि ये इवेंट जो होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, रीसेंट ईयर्स और रीसेंट टाइम्स में पाकिस्तान का ओनली एंड सबसे बड़ा क्रिकेट शोकेस इंटरनेशनल स्टैचर का, और खेलने वाली टीम्स एक रफ़ एंड टम्बल टूर्नामेंट के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर जालमी का मुकाबला होगा लाहौर के अंदर। कल एक पूरा प्रोसेस जो है वो डिफाइंड है, एक प्री गेम कॉन्सर्ट्स होंगे, एक फेस्टिवल का समासा होगा। उस हवाले से हम आज बात करेंगे। पहले हम कद्दाफी स्टेडियम जाकर अपने नुमाइंदों से भी बात करेंगे, लेकिन ये जो टीम्स कल खेलने वाली हैं, क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड पेशावर जालमी, इनका एक फ़ाइनल के बराबर या फाइनल से बेहतर बाय मैनी अकाउंट्स इस पूरे टूर्नामेंट का इस वक्त तक बेहतरीन मुकाबला हो चुका है। पहले एलिमिनेटर में जो कि सनसनीखेज तरीके से एक रन से जीता गया था, जिसके बाद पेशावर जालमी को एक बार फिर खेलना पड़ा। शाहिद अफरीदी साहब कप्तान ने बहुत अच्छा खेला, जो कि पिछले एक वर्ल्ड कप T20 के अंदर उनकी परफॉर्मेंस के बाद अब एक बड़े टूर्नामेंट में बड़ी परफॉर्मेंस सामने आई। उनकी अनफॉर्चुनेटली हाथ की वेबिंग स्प्लिट होने की वजह से 12 स्टिचेस उनको रिक्वायर हुए और वो कल के फाइनल में नहीं खेलेंगे। लेकिन उसके अलावा जो पेशावर जालमी की सारी टीम है, उनके सारे बैन अलावामी प्लेयर्स जो उनको कोटा अलाउड है, वो खेलने को तैयार हैं। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के जो मेजर प्लेयर्स थे, केविन पीटरसन, लूक राइट इंक्लूडेड और राइली रूसो इंक्लूडेड, उन्होंने माजरत कर ली लाहौर आने से सिक्योरिटीज़ के खदशात का हवाला देते हुए। ये वो सिक्योरिटीज़ के खदशात हैं जिनकी वजह से कल के फ़ाइनल के ऊपर जो ओपिनियन है वो स्प्लिट है। पंजाब हुकूमत, हमारी वफाकी हुकूमत और हमारे ज़्यादातर सियासतदान जो हैं वो इसको एक वेलकम कर रहे हैं। वो इसको समझते हैं कि ये हमें, हमारी तरफ से एक ठोस जवाब है उस दहशतगर्दी की लहर पर और उस ज़ालिमाना सोच को जिसने पाकिस्तान को एक अनसेफ मुल्क करार दिया है, पाकिस्तान के अंदर से क्रिकेट जिस वजह से और दीगर और बहुत सारी चीज़ें जिस वजह से गायब हो चुकी हैं। ये एक तरफ की स्टांस है और दूसरी स्टांस इमरान खान साहब की तरफ से, जो कि क्रिकेट वर्ल्ड में एक गैर मामूली वज़न रखते हैं। वैसे तो पाकिस्तानी सियासत में भी काफ़ी वज़न है, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में इमरान खान साहब एक वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स ऑफ द गेम है जो अब खेलते नहीं हैं। उनका कहना ये था और उनकी पार्टी ने भी फिर ये लाइन टो की है कि अगर इतना मिलिटराइज करके आपने क्रिकेट खिलाना हो तो क्रिकेट खेलने से बेहतर है कि आप इस चीज़ के ऊपर इतना फोकस ना डालें, क्योंकि इस तरह तो आप फिर सीरिया और बगदाद के अंदर भी गेम्स कर सकते हैं। उनका ख्याल ये था और उनके साथ देने वाले लोगों का ख्याल ये है कि शायद इतने अगर खर्चे करके, इतना शहर को बंद करके आपने एक गेम ही करना है तो उस गेम की शायद इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ की राय ये है कि जहाँ 10-12 धमाके हो गए हों, लोग एक दूसरे को खदशात के बेसिस के ऊपर डर और खौफ का इजहार कर रहे हों, जहाँ पे एक दहशतगर्दी की जंग की थोड़ी बहुत कामयाबी के बाद एक लल आया हो वायलेंस में और वो अचानक फिर से अपना सर दिखाए, तो वहाँ शायद जवाब देना भी बहुत ज़रूरी होता है, चाहे उसकी कॉस्ट बहुत हज़ारों सिक्योरिटी के लोग हों, बहुत ज़्यादा शहर के अंदर लॉकडाउन हो। एक इमेज दिखाना, एक गुड फुट फॉरवर्ड रखना ज़रूरी है। हम इस जगह के हवाले से बात से शुरू करेंगे। शोएब जट साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स करस्पॉन्डेंट हैं समा के। शोएब साहब, थैंक यू वेरी मच, हमें गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। किस तरह के सिक्योरिटी, किस तरह की फैंस की होप्स और ये टिकट सेल्स के हवाले से हमने थ्रू आउट द वीक देखा है, शोएब साहब इस वक्त क्या पोजीशन है? चौक ब्लॉक फुल तो होगा, लेकिन ये टिकट्स ट्रेड हो रहे हैं, टिकट्स मिल रहे हैं, आपके साथ जो लोग हैं उनके क्या ख्याल आते हैं कल के फाइनल के हवाले से? जावेद साहब, पहले तो आपको बताता चलूँ, जिस तरह आपके प्रोग्राम का नाम 360 है, इसी तरह क्रिकेट भी जो है वो 360 हो रही है। जब से PSL फाइनल 2 जो है वो लाहौर में होने की बातें हुई और अब तो ये फाइनल होने में दिन नहीं चंद घंटे रह गए हैं और मैं इस जगह जहाँ लाइव एक्शन होगा उसके चंद कदम के बाद यकीन ये नारे जो है वो आपको बता रहे होंगे कि पाकिस्तानी जो है वो पूरी उम्मीद है और कितने खुश हैं कि मेगा इवेंट का फाइनल जो है वो यहाँ पर हो रहा है। नारे लग रहे हैं, सपोर्टर्स जो है कल स्टेडियम में भी नारे लगाएंगे, लेकिन आज बाहर भी नारों की जो गूंज है और ये जोश और जज्बा जो है वो यकीनन आपको बता रहा होगा कि PSL 2 का फाइनल जो है वो कितना अच्छे हद तक जो है वो क्रेज बन चुका है आवाम का और आवाम यहाँ पे बड़ी तादाद में जिनके पास टिकट है वो तो आई है
क्रिकेट नहीं है और सबके सब पाकिस्तान क्रिकेट क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, पीएसएल टू का सपोर्ट कर रहे हैं। यकीनन ये नारे आपको बार बार आप अगर ये पूछ सकें प्लीज कि जो पिशावर को सपोर्ट कर रहे हैं और जो क्वेटा को सपोर्ट कर रहे हैं वो कहां कहां से आए हैं ये मैच देखने के लिए, उन्होंने ये टीम्स चुनी क्यों है सपोर्ट करने के लिए, क्या उनके शहर होने की वजह से चुनी है या फिर उनकी क्रिकेट खेल उनकी क्रिकेट के खेल को पसंद करने की वजह से? बिल्कुल जी, मैं पूछता हूँ, बताइएगा आप यहाँ पे हैं कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं और क्या क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं या टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? हम क्रिकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, पेशावर ज़ुल्मी भी हमारी टीम है, कोटा भी हमारी टीम है और मकसद है कि पाकिस्तान में ऐसे टूर्नामेंट होना चाहिए। तो कितनी खुशी हो रही है कि पीएसएल 2 का फाइनल यहाँ पर हो रहा है? ये तो खुशी का आलम तो देख लिया सब भाइयों का आपने, कोई पेशावर ज़ुल्मी को सपोर्ट कर रहा है, कोई कोटा के सपोर्टर बैठे खड़े हुए हैं इधर और सारे बड़े खुश हैं। कितनी दूर से आए हैं आप, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? पेशावर ज़ुल्मी को हम सपोर्ट कर रहे हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? हम लाहौर में ही हैं। लाहौर ही हैं जी, आप बताएं आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? दोनों टीमों को सपोर्ट कर रहा हूं, इसी के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूं कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट हो रही है इससे पाकिस्तान को फायदा और हमारा इमेज अच्छा जाएगा। कहां से आए हैं, टिकट मिल गया? नहीं नहीं, टिकट नहीं मिला हमें, लेकिन हम सपोर्ट के लिए जरूर आए, इंशाल्लाह कल भी आएंगे और भरपूर सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें बहुत खुशी है इस पीएसएल की जो हो रहा है, हमें बहुत खुशी है। पाकिस्तान क्योंकि हमारी ही टीमें हैं दोनों और असल जो जीत होगी वो क्रिकेट की जीत होगी, अमन की जीत होगी, लेकिन ये सब अच्छे इंतजाम है, अच्छे इकदाम है। ठीक है, ये इंतजाम के हवाले से बताएं शुएब साहब, अगर आप ये कल की जो सिक्योरिटी के हवाले से जो उन्होंने डिटेल्स दी हैं, जो वॉक थ्रू गेट्स हैं, 5-tier सिक्योरिटी है, हालांकि मुल्क ममालिक के सरबराहान को ये 3-tier की सिक्योरिटी दी जाती है, 5-tier सिक्योरिटी है, लाहौर के लिए डेंटेड है, इसकी आपके पास क्या डिटेल्स हैं सर? देखिए, ज़मीनी सिक्योरिटी भी बहुत सख्त है और फिजाई सिक्योरिटी का भी भरपूर इंतजाम है, हेलीकॉप्टर्स जो होंगे पाकिस्तान आर्मी के वो भी जो है वो फिजाई निगरानी करते रहेंगे। जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये वही चुरंगी है, वही राउंड अबाउट है जहाँ पे श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ था और पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट रूठी थी। अब यही चुरंगी, यही राउंड अबाउट जो है वो क्रिकेट में वापसी के लिए एक अहम जो है वो किरदार अदा कर रहा है क्योंकि टीमें यहाँ से गुजरेंगी। तो सिक्योरिटी का बताता चलूँ, यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर का ये फासला बनता है जो स्टेडियम तक का है, जहाँ पे 5 जो है वो चेक पोस्ट होंगी, जगह जगह से जो तमाशाई होंगे उनको वॉक थ्रू गेट से भी गुजरना पड़ेगा और भी सख्त किस्म के जो है वो इंतजाम किए गए हैं, जैसे जैमर लगाए जाएंगे कि किसी किस्म की कोई मिसहैपनिंग ना हो। एक पॉइंट क्लियर करने के बाद आपको दोबारा दूसरे पॉइंट पर अपनी तलाशी देनी होगी, इसी तरह तीसरे पे, इसी तरह बता दिया गया है कि क्या चीज़ें जो है वो स्टेडियम में ला सकते हैं क्या नहीं ला सकते। जो हम सराउंडिंग के रोड्स बताएं उन पर भी सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है, कुछ जो लेंस हैं वो तो बंद कर दी गई हैं ताकि कोई भी नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश ना आ सके। तो तमाम तर कोशिशें, तमाम तर इंतजाम किए गए हैं कि पीएसएल 2 का फाइनल ना सिर्फ हो बल्कि खुश अंदाज तरीके से जो है वो इख्तिताम पजीर भी हो। फाइनल जब यहां पे खत्म हो तो जीत टीम के साथ साथ किसी टीम के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट की भी जीत हो, पाकिस्तान की भी जीत हो, ताकि इंटरनेशनली एक मैसेज जाए कि पाकिस्तान ठीक है। शुएब जट साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपके साथ जो शायकीन है उनका भी बहुत बहुत, उनके नारों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम अब बात करेंगे सियासी रिप्रेजेंटेटिव से, हम क्रिकेट के रिप्रेजेंटेटिव, क्रिकेट पाकिस्तानी साबिक क्रिकेट प्लेयर्स को भी इंक्लूड करेंगे इस शो के अंदर, लेकिन अब अगर बात कर सकें हम हुकूमत के और अपोजिशन की तरफ से रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे सियासी रहनुमा हैं उनके क्या ख्याल हैं पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के हवाले से, हम कोशिश करेंगे पहले अगर हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन ले लें, पंजाब हुकूमत की विद रिगार्ड्स टू द लाहौर कद्दाफी स्टेडियम का ग्राउंड, जिसको उन्होंने अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी, जिस तरह शुएब साहब ने भी कहा कि एक डिटेल्ड लिस्ट है क्या चीज़ें आप लेके जा सकते हैं, टिकट्स जो हैं उनकी सेल के ऊपर भी काफ़ी सिक्योरिटी कंट्रोल लगाए गए हैं। मलिक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पंजाब के पंजाब हुकूमत की तरफ से सिक्योरिटी को हैंडल कर रहे हैं इस इवेंट का। मलिक साहब, कितना प्रेशर है, क्या आपके ऊपर, क्या आपके ख्याल हैं कल किस तरह डिलीवरी होगी इस इवेंट का, पंजाब के अंदर एक एक मेजर इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट बहुत जमाने बाद हो रही है? देखिए, सिक्योरिटी के हवाले से तो बिल्कुल एक बड़ा फूल प्रूफ और इमेकुलेट प्रोविजन है इन ऑल रिगार्ड्स, और इसमें
5 tiers provide kiye gaye hain, 24 hour ring of security hai for the stadium and for players also, और फॉर ऑडियंसेस सारों के लिए भी अपना प्रोवाइड कर दी गई है सिक्योरिटी इन ऑल रिगार्ड्स. पूरा शहर की सिक्योरिटी बीफ्ड अप है, सारी डिटेल्स को बड़ा माइन्यूटली देखा जा रहा है. ह्यूमन डिप्लॉयमेंट बड़ी इफेक्टिव और इंटेलिजेंट डिप्लॉयमेंट है. सर्वेलेंस का मैकेनिज्म बड़ा अच्छा दिया गया है. कार पार्किंग्स को बड़ा एक्टेड और सारी विद द न्यू रिजीम ऑफ क्लोज सर्किट कवरेज के साथ प्रोवाइड की गई है. वहां से जो पैसेंजर्स को जो ऑडियंस को लेके जाएंगे, कार पार्क होगी वहां पे कल. आप जा रहे हैं मैच देखने? जी जी बिल्कुल, आई विल बी देयर. ठीक है, आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं सर, अगर मैं पूछ सकूं? पेशावर ज़ुल्मी भाई. अच्छा, जबरदस्त, एक्सेलेंट. थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, गुड लक टू यू एंड योर टीम. हम इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक. आज हम ऑपोजिशन की तरफ से भी कमेंट्री लेंगे और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट के भी हीरोज से पूछना चाहेंगे कल की इवेंट का कितना बड़ा, व्हाट डज इट मीन अगर इसका हो जाए इंशाल्लाह विद पीस एंड सक्सेस, तो इसकी डिलीवरी इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान वापस आने के हवाले से कितनी होगी. वेलकम बैक, आप देख रहे हैं एजेंडा 360 है और आज हम क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के हवाले से बात कर रहे हैं जो कि कल लाहौर के अंदर 5-tier अनप्रेसिडेंटेड फुल प्रूफ सिक्योरिटी में हो रहा है, जिस तरह पंजाब हुकूमत के नुमाइंदे ने भी हमें बताया. ब्रेक से पहले शोएब जट साहब ने हमारे क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट समा के वो भी वहाँ पे शायकीन के साथ गद्दाफी स्टेडियम के बाहर बता रहे थे जोश खरोश लोगों का उरूज पे. हैदरवीद साहब, इस सेगमेंट में हम जावेद मियादाद साहब साबिक हीरो पाकिस्तान, हाजिर हीरो साबिक कैप्टन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के. मियादाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. ये एक बड़ी क्रिकेट इवेंट, बैनुल अक्वामी क्रिकेट इवेंट कह सकते हैं, बैनुल अक्वामी लेवल पे इसका इंटरेस्ट है. एक बार फिर पाकिस्तान वापस आ रही है, इसके आपका क्या ख्याल है इस हवाले से सर? यू सी इट एज अ वेलकमिंग साइन या फिर शायद ओवर द टॉप जा रहे हैं हम इसलिए? देखिए, बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में एक विकेट हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है. मगर जैसे पहले ये थोड़ी सी बातें हो रही थी कि वो ये हो रही थी कि इंटरनेशनल प्लेयर की. देखिए, अभी जैसे ज़ुल्मी में जो प्लेयर्स थे, जो 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 नाम थे और जो जिस तरीके से वो अगर आ जाते तो और भी अच्छा हो जाता, राइट. हमें अनसर्टेन एकदम हमने डिसाइड किया, हम प्लान करके करें ये फ्यूचर में. हालांकि कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई टीम आ सकती है नहीं आ सकती है. मैं समझता हूँ सब आ सकते हैं. अब आप देख लिया कि आपने ये मैच कराने से कि पता चल जाएगा, एक लोगों में जज्बा बहुत है, पाकिस्तान की आवाम जो है वो क्रिकेट से महरूम रही है, अब इतनी अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिली है. और आपने देखा कि यही चीज़ दुबई में भी जो हो रही थी क्रिकेट, बड़ी अच्छी हो रही थी, और लास्ट ईयर भी इन्होंने पूरा खेला, इस दफ़ा भी खेला है. तो मैं समझता हूँ जो चीज़ हो गई हो गई, हमें फॉरवर्ड आगे की तरफ जाना चाहिए. और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा मौका है. और देखिए सिक्योरिटी सिचुएशन की और फॉरेन प्लेयर्स के आने ना आने की, थोड़ा सा इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा सर, ये कॉन्सेप्ट जो है पाकिस्तान में कि एक शहर मद्दे मुकाबल हो दूसरे शहर के, यानी कराची वर्सेस लाहौर, इमरान खान साहब भी हमेशा कहते थे कि ये बैंक वर्सेस इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये का किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, शहर की टीम खेल रही हो तो इंटरेस्ट होता है. आपके ख्याल से सर कितनी फॉलोइंग जो है वो इस तरह की कंपटीशन की है इस वक्त पाकिस्तान में, कि कराची आइट जो है वो अपनी टीम को सपोर्ट करे लॉरीज के ख़िलाफ़, और ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि शहर को मद्दे मुकाबल रखना शहर के, आपके हाल से क्यों बहुत बड़ी हिट हुई है, ये हुआ है ये कॉन्सेप्ट, आप कैसे देखते हैं? देखें, आप एक चीज़ देखें कि पहले हमारी लड़ाइयाँ जो हुई हैं ना वो इसी तरीके से हुई हैं, लाहौर कराची पंजाबी और इस किस्म की चीज़ें पास में आप देखें उस लेवल पे चली गई थी कि आदमी कहने वाले भूल गए थे अपने, यानी कि दूसरे प्रोविंस में जाना मुश्किल हो गई थी, राइट. आप सही कह रहे हैं, आज से 20 साल पहले 25 साल पहले क्रिकेट खेली जाती थी, कभी इलाका वाइज या कराची लाहौर और इस किस्म की बातें नहीं थी. ये क्रिएट की गई, ये पॉलिटिक्स में आई चीज़ें, उसके बाद है ना एकदम सारी. इसी वजह से जो बैंक्स जो थी वो इन्वॉल्व हो गई थी, और बैंकों की वजह से क्रिकेट जो है बड़ी उरूज पे आई थी. और उरूज का मतलब यही था क्योंकि वहाँ पर है ना हर बैंक ने एक अच्छी टीम बनाई थी, और बैंकों की एक तरीके से लाइक फाइनेंस करने की हद तक तो ठीक है, लेकिन क्या एक आम कराची आइडिया लॉरी का इंटरेस्ट हो सकता है कि हबीब बैंक के मैच खेल रहा हो पाकिस्तान पीआईए के खिलाफ?
बात यह कि एक शहर की टीम, एक शहर से एक लगाव होता है एक इंसान का, जिस तरह अपने मुल्क से होता है, तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि अब शहरों की क्रिकेट हमने देखी, तो उसकी फॉलोइंग आपके ख्याल से अच्छी रही है? लोगों ने रिलेट किया इस तरह की बात से कि भाई मैं कराची का हूँ, मैं कराची की टीम को सपोर्ट करूँ, मैं पेशावर का हूँ, मैं पेशावर की टीम को सपोर्ट करूँ, ना कि हबीब बैंक में मेरा अकाउंट है या नहीं है, मैं हबीब बैंक को सपोर्ट करूँ? बात कर रहा हूँ, कोई भी बैंक हो, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, देखिए आपने क्रिकेट की बात की, तो क्रिकेट के आप क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट इम्प्रूव हुई थी क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट में पैसा नहीं था और एक तरीके से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे थे, बैंकों से जो खेल रहे। अब दौड़ उठा के देख लें, उस जमाने में जिस वक्त बैंकों की टीमें थी और खेल रही थी, तो ये नहीं कि शहरों की टीमें बंद हो गई थी, लाहौर कराची ये सब खेल रहे थे, मगर जो उसमें जो अच्छा करता था उसको चलते कि पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेट की, भूखे मर रहे हैं, 11 आदमी कमाते हैं बाकी भूखे मर रहे होते हैं। आपने वो चीज़ें रियलाइज नहीं की कि क्रिकेट के साथ नॉट लाइक अदर कंट्रीज में, इंग्लैंड में वहाँ गवर्नमेंट संभालती है बच्चों को, वहाँ कोई भी इस तरफ अगर हम आ सके, ठीक है, आपका पॉइंट है कि बैंक इन्वॉल्व हुए, फाइनेंस क्रिकेट में आई, वो बात अपनी जगह। थोड़ा सा ये बताएं सर कि अब लाहौर में मैच हो रहा है लेकिन मैच है पेशावर और क्वेटा का, तो आपके ख्याल से सपोर्ट ज़्यादा किसकी होगी? और ये जो न्यूट्रल वेन्यूज़ हैं, लगता है कि क्वेटा की टीम को खास पसंद कर रहे हैं न्यूट्रल जो हैं, तो और पेशावर की लेकिन वैसे फॉलोइंग बहुत है क्योंकि पेशावर से लोग पूरी दुनिया में बसते हैं और हमने यूएई में भी यही देखा। तो किस तरह देखते हैं क्राउड किस तरफ होगा इस फाइनल में कद्दाफी स्टेडियम में जो मौजूद है? देखिए क्राउड तो बहुत आएगा क्योंकि आफ्टर लॉन्ग टाइम इस तरह की आपको क्रिकेट देखने में मिल रही है और उसको लाजिम बात है कि जिस लेवल पे हम चले गए इस क्रिकेट को लेके माशाल्लाह, क्योंकि आप देखें कितनी सपोर्ट है फ्रॉम ऑल पूरे पाकिस्तान का, हर बच्चा क्वेटा को सपोर्ट करेगा, लाहौर का क्राउड या पेशावर को करेगा आपके ख्याल से? नहीं देखिए अपने अपने शहर तो कर रहे हैं, तो जैसे पेशावर वाले हैं तो डेफिनेटली पेशावर को कर रहे होंगे, कोयटा में जो है वो कोयटा को देंगे, मगर जनरल जो है हर आदमी का कहीं ना कहीं है, जैसे मैं पेशावर को नहीं, मैं भाई आप थोड़ा सा हमारे साथ रहेंगे, नईम उल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर और इमरान साहब के करीबी दोस्त और साथी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। नईम उल हक साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नईम साहब आपसे पहले तो पूछूंगा कि कुछ थोड़ा सा जो आपकी पार्टी और खासकर इमरान खान साहब की तरफ से रिएक्शन आया है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन भी कुछ हमने देखी, कुछ लैक ऑफ इंथुजियाज्म देखा, कुछ लोग शायद क्रिटिक्स ये भी कहेंगे कि थोड़ा सा जो है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं नज़र आया, जबकि उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये लीग PSL है, PML है, क्या है, अच्छा मैंने तो एक बॉल भी नहीं देखी अभी तक और पागलपन होगा इसको करवाना। तो देखें सर ये बात तो बिल्कुल जेन्युइन है कि एक जेन्युइन राय है कि ये नहीं यहाँ होना चाहिए था और इससे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि वो अगर ये राय रखते हैं, लेकिन एक दफ़ा ये फैसला हो गया पूरी कौम अब नज़रें लगाए बैठी है कि हम एक तरह से पूरी दुनिया को ये मैसेज दें कि यहाँ पर ये हो सकता है, तो इस वक्त इस तरह का नेगेटिव एटीट्यूड रखना आपके ख्याल से मुल्क के मफाद में है? देखिए दो बातें, सबसे पहले तो हमारी नेक ख्वाहिशात कल होने वाले मैच के साथ है, अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया ना हो जिसकी वजह से ये मैच जो है ये खतरे में पड़ जाए या खिलाड़ियों की जिंदगी या शहरियों की जिंदगी खतरे में पड़ जाए। दूसरी बात यह है कि जहां तक मैसेज देने का सवाल है, जो आपने बात की, मैसेज चला गया पूरी दुनिया को कि 60-70 हज़ार गार्ड्स और सिक्योरिटी पर्सनल के बगैर ये खेल, ये जो फाइनल हो रहा है, ये मुनक़द नहीं हो सकता था। तो तीसरी बात ये कि चंद महीने पहले जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया कि PSL के मैचेस मुनक़द कराए जाएंगे और इन्होंने दुबई का फैसला किया कि दुबई में कराए जाएंगे, उस वक्त लाहौर और पाकिस्तान के हालात काफ़ी बेहतर थे। अब जबकि लाहौर में दो दहशतगर्दी के वाक़ात हुए और बड़ी जानें जाई हुई और पूरे पाकिस्तान में हुए, ये फैसला करना कि जी इसको यहाँ पर लाया जाए, ये मैच मेरी समझ से बाहर है, ये इसकी मंतक समझ में नहीं आती कि जब खतरे के सर आपने डिसएग्री किया और एक जेन्युइन राय है ये कि नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जब के हो रहा है तो इस तरह का एटीट्यूड रखना नेगेटिव नहीं है मुल्क के लिए? आप देखें हो रहा है ना, आप साथ दें? नहीं मैं तो कह रहा हूँ कि हमारी नेक ख्वाहिशात है, अल्लाह ताला ये मैच जो है कामयाबी से मुनक़द करा दे और इसमें पूरे मुल्क दिलचस्पी का इजहार हो रहा है और क्रिकेट से ज्यादा मकबूल खेल पूरे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नहीं है, हम जानते हैं, और इमरान खान साहब से ज्यादा कोई इस बात के लिए
यानी सोचता भी नहीं। इमरान खान साहब ने अभी पिछले महीने एक ग्राउंड में खड़े होकर अंपायर की जगह 50 बॉलरों को खुद देखा और उनमें से 5 बॉलर सेलेक्ट किए। तहरीक इंसाफ का टैलेंटेड था। तो क्रिकेट का जहां तक सवाल है, इमरान खान साहब की दिलचस्पी और उनकी जो उनके ख्याल हैं वो पूरी दुनिया से वाकिफ है। हमारा और या उनका इशारा सिर्फ उन दहशतगर्दी के वाकयात से था जो अभी चंद दिनों पहले ही लाहौर में जरूर पजीर हुए हैं। सही नईम साहब, एक दफ़ा डिसीजन जिस तरह हैदर साहब कह रहे हैं कि ले लिया गया था, तो उसके बाद शायद ऑन बोर्ड आके भी इमरान खान साहब जो हैं वो एक ही दिखा सकते थे इस पॉइंट पे कि ठीक है 70,000 लोगों की जरूरत थी, ठीक है लाहौर के अंदर ज्यादा इश्यूज़ हैं। आप मुझे ये बताएं कि लाहौर के जो सब हालात हैं, लाहौर के चारों तरफ नाकाबंदी हो चुकी है पुलिस की, लोगों को रोका जा रहा है, तंग किया जा रहा है, बेशुमार चीजें, क्या ये वो हालात, यानी आप 1.5 करोड़ शहरियों को मुसीबत में डालकर 30,000 लोगों के लिए एक मैच मुनक़द कर रहे हैं इसमें, और 99% टेलीविजन पे देखें। थैंक यू वेरी मच नईम मलिक साहब। जावेद मियादाद साहब, कितना वेट है खान साहब की इस बात में? अगर खान साहब आके कहते हैं, एक बैन अल-अक़वामी क्रिकेट फिगर हैं, अगर वो आके कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये मैडनेस है, तो विल्किंसन अगर सुन रहा है और डैनी मॉरिसन अगर सुन रहा है और केविन पीटरसन अगर सुन रहा है और ल्यूक राइट अगर सुन रहा है, तो उनको इमरान खान साहब की ये बात में कितना वजन, मतलब मेरे ये कहने में कि नहीं ठीक है जी अगर 70,000 फौजी और पुलिस वाले वहाँ खड़े हैं तो आपको कुछ नहीं होने वाला, तो खान साहब की बात में इसमें गैर मामूली वजन उनके लिए होता है या नहीं? देखिए, हम एक चीज़ को नहीं देखते, हम वक्त के साथ साथ बात कर रहे हैं ना तो पता चल जाता है। अगर एक टाइम पे कुछ हुआ होता उसके बाद हम 10 दिन के बाद कहते हैं सिनेरियो एवरीथिंग इज डिफरेंट। जिस वक्त जो चीज़ बोली जाती है ना उस वक्त के टाइम के मुताबिक बात वो सही होती है। आगे जब आप जाएंगे या तो आपको बहुत अच्छी लगेगी या आपको बुरी लगेगी। हमेशा हम यही हो रहा है कि हमने कभी भी इस चीज़ पे नहीं गए, जिसने जो बात बोली उस सिनेरियो में उस वक्त के टाइम पे अगर आप देखें तो बिल्कुल सही है कि आप उस टाइम पे बातें कर रहे हैं। आज आके लाजमी बात है सब आपके साथ हैं क्योंकि सिनेरियो हैज चेंज, मगर क्रिकेट एक पीस है। देखिए, अगर क्रिकेटर को आप वो देख रहे हैं, कर्फ्यू में हमने भी खेला मैच, कराची में कर्फ्यू में मैच हुए, लोग बेचारे आए, कोई नहीं भी आए, मगर क्रिकेट होती थी, खेलने वालों ने खेला। इसका मतलब ये नहीं था हालात, क्रिकेट के लिए आपको हालात, एक पीसफुल क्रिकेट खेली जाती है, माइंड सेट होता है, मुझे पता है मैंने ग्राउंड में जाना है, कोई पत्थर नहीं आना है, कोई किसी किस्म के चीज नहीं, ये बड़ी जहन में होती है। हमें याद है कि हमने टूर श्रीलंका पे किया, हमने बांग्लादेश गए थे, आप बिलीव नहीं किया, हमने अपनी जाने बचाई थी। हम किस तरीके से थे उसके बाद आप सोच नहीं सकते। इसी तरीके से हम श्रीलंका में खेले, अंडर कर्फ्यू खेले, तो लेकिन खेले गए थे ना मियादाद साहब, गए थे ना, क्योंकि एक फैसला जब कर लिया गया था, एक रिप्रेजेंटेशन करनी थी तो गए तो थे। एक स्टेडियम है जो कि ठीक है अनफॉर्चुनेटली नेम्ड है, लेकिन उस स्टेडियम के अंदर इमरान खान साहब के नाम का स्टैंड भी है, जब क्योंकि क्रिकेटिंग ग्रेट है सर, वो पॉलिटिकली एक ऑपोजिशन लीडर हो, पॉलिटिकली एक स्मॉलर लीडर हो, वो एक क्रिकेटिंग ग्रेट है, पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार इन द ग्लोबल अरीना है। एक बार फैसला बिल्कुल, लेकिन एक बार फैसला ले लिया गया हो तो इमरान खान साहब का साथ देना क्रिकेट की हद तक, सियासत की हद तक नहीं, वो जिस तरह भी उसके उसका उसके मुखालिफ रहे, लेकिन खान साहब का इमरान खान स्टेडियम स्टैंड के अंदर होना बेहतर नहीं होता सर? नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, वो आना जरूर, अगर आना चाहे जरूर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, और मैं ये नहीं कह रहा, मगर जिस वक्त उन्होंने बात की थी उस वक्त आप देखें, मैं अब आपको बताऊं, आप मुझे बताएं फायदा कितना है नुकसान कितना है। खुदा न खास एक चीज हो गई, आप 40 साल पीछे चले जाते हैं, आप ऐसा रिस्क ना लें, आप एक मैच के लिए ले रहे और मिडिल ऑफ द सीरीज ले रहे, मिडिल ऑफ द गेम ले, आप या तो पहले से आप उसको ऑर्गेनाइज करें, मिडिल ऑफ द, इसीलिए आपके चार कितने अच्छे प्लेयर नहीं आए, आपने क्या मतलब तीन मारा। तो आप देखें जो पाकिस्तान जिस हालत में था, जंग की हालत में है, और सारी आपकी एजेंसीज और आपकी जो डिप्लॉय हुई हुई है कहां पर हुई हुई है, सारे की सारी चीजें, और एक क्रिकेट ऐसी चीज रह गई थी, हमें पीसफुली क्रिकेट करानी चाहिए। अभी अब जो हो गया तो इसका मतलब ये नहीं हम जाए पीछे, हमें सोचना चाहिए, हम शऊर वाले लोग हैं, हम बेवकूफ़ वाले लोग नहीं है, आप बेवकूफ़ों से एग्जाम्पल या इसका सेट नहीं करते, मेरा मतलब कहने का, या तो आप पहले दिन ही डिसाइड करते, आप अपना, मैंने आप बताएं, मैं जब पाकिस्तान बोर्ड में था मैंने कहता अपना पीएसएल पाकिस्तान में कराओ, अपने लोगों के साथ कराओ, एंड देन इंडक्ट करो दो दो तीन तीन प्लेयर करके ताकि पाकिस्तान में खेले। आपने 2 साल से आप क्रिकेट बाहर खेली, आपने एकदम डिसीजन लिया कि नहीं जी लेट्स गो एंड प्ले पाकिस्तान,
अब वो तो आवाम ने आपको साथ दिया, फिर आपके आदमी, आपकी रेंजर, हर चीज एक जगह लग गई है। खुदा ना करे कुछ होता तो हम 20 साल पीछे चले जाते। सर इसमें रिस्क तो ज़रूर है, और अगेन इससे मैं आपसे इख्तलाफ नहीं कर रहा, क्योंकि एक ये जेन्युइन बात है, जेन्युइन राय है, इससे इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन एक जेन्युइन राय है कि शायद ये नहीं, सर, जल्दी करा दिया, प्रीमेच्योरली करा दिया। नहीं सर, लेकिन सवाल ये कि आप करा दिया ना, वो समझ आती है अगर पीसफुली है, बिल्कुल अब हो रही है, नो बडी माइंड, क्रिकेट हो रही है, बहुत अच्छी बात है, सब बैक कर रहे हैं। सर लेकिन मेरा ये कहना है कि हो सकता है कि अगर ये इंशाल्लाह कल पीसफुली हो भी जाता है तो आपकी बात अपनी जगह शायद सही हो, लेकिन जब एक फैसला हो गया है तो इतनी नेगेटिविटी दिखाना जो है डिस्करेज करता है फॉरेन प्लेयर्स ही को नहीं, लोकल मोराल जो है उसको भी इफेक्ट करता है। इमरान खान साहब, जावेद मियांदाद साहब, ये बहुत बड़े नाम हैं, आपकी बात सुनी जाती है, आपकी बात मानी जाती है, आप लोगों का हौसला इस वक्त बढ़ाना नहीं चाहेंगे, ना कि आप उन्हें डराएं। वापस आके यही बात करेंगे कि जो PSL है इसमें एक बियॉन्ड क्रिकेट इमेजिनेशन इसने कैप्चर की है, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात कुछ ऐसे हैं कि सिंबलिज्म इसकी ऐसी बन गई है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसकी अक्कासी ये बात अब कर रही है कि ये मैच यहाँ हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या है भी या नहीं, ये भी एक जेन्युइन राय है कि अगर आप 70,000 सिक्योरिटी पर्सनल के साथ कोई चीज़ करा देते हैं तो क्या आपने वाकई ये दिखा दिया कि ये चीज़ हो सकती है, या एक बिल्कुल ही कंट्रोल्ड और आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में आप ये करा रहे हैं। और इधर वे इसका इम्पैक्ट अब आइंदा वाली क्रिकेट ही नहीं बल्कि मुल्क की सूरत हाल पर क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। PSL के फाइनल और उससे अब अनफॉर्चुनेटली एसोसिएटेड सियासत की हम बात कर रहे हैं, इस चीज़ पे भी सियासत की जा रही है कि आया कि ये माकूल बात थी, मुनासिब बात थी कि इन हालात में लाहौर में ये फाइनल कराया जाए। एक अलग सियासत इस हवाले से ये भी कुछ उठी है कि क्या ये लाहौर में कराना ही सही था, जबकि जो अटैक श्रीलंकन टीम पर हुआ था वो भी तो लाहौर में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ी गलत बात है इस तरह की बात को इस मौके पर करना जबकि पाकिस्तान में इतने अरसे बाद क्रिकेट आ रही है, लेकिन सियासी पार्टीज़ फिर भी अपनी सियासत इस हवाले से कर रही हैं और इस हवाले से बहस जो है वो भी चल रही है। मोईज़ जाफरी साहब, थोड़ा सा हमने इस पे तो अब बात कर ली सिक्योरिटी सिचुएशन पे और PTI के मौक़िफ पे, के बावजूद इसके कि जब फैसला हो गया था अभी तक वो क्रिटिकल हैं, नेगेटिव हैं, क्या ये बात सही है या नहीं? उनकी तरफ से बात भी अपनी जगह एक बात है कि पूरे शहर को ज़दोकोप किया हुआ है, और जबकि लेकिन आपने एक अच्छा पॉइंट, अच्छा नहीं लगा नईम उल हक साहब को, लेकिन आपने अच्छा पॉइंट उठाया कि कोई बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए कभी ऐसी कुर्बानी देनी पड़ती है, और ये PTI का ही फलसफा था जब उन्होंने धरना दिया था, चाइनीज़ डेलीगेशन नहीं आ सके, IMF के डेलीगेशन नहीं आ सके, उन्होंने शहर बंद किया, शहर को नुकसान हुआ, तो उनका यही कहना था, लेकिन निज़ाम बेहतर करने के लिए कुर्बानी देना जायज़ है। अब अगर हम दूसरे सियासत पे इस पर आ सकें, ये भी एक बात की जा रही है कि लाहौर में क्यों, जबकि अटैक जो हुआ था श्रीलंकन टीम पे वो तो लाहौर में ही हुआ था, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि कराची में होने का की अनाउंसमेंट भी उसके फ़ौरन बाद आ गई, तो पहले आपका व्यू उस पर ले लेंगे, फिर हमें गेस्ट ने भी ज्वाइन किया। मेरे ख्याल में डिसीजन शायद ये ओवर द टॉप है, इसलिए नहीं इसलिए कि 70,000 लोग लग रहे हैं, लेकिन एक गरीब मुल्क हैं हम, इतना ज़्यादा रेवेन्यू खर्च करके जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको, जो हमारे सबसे चैलेंज लोग हैं उनको, शायद उनके लिए एक बहुत स्टार्क चैलेंज है लाहौर में, हार्ट ऑफ पंजाब में, एक बहुत वेल्थी प्रोविंस में, बहुत ज़्यादा पैसों की, बहुत ज़्यादा खर्चे की डिस्प्ले, सिर्फ ये गेम दिखाने के लिए उनकी तरफ से केस बनाया जा सकता है, लेकिन फैसला जब हो गया। जाफरी साहब देखें, अगर आपने ये करवाना था, मेरा भी ताल्लुक कराची से है वैसे, लेकिन अगर आपने ये मैच कराना था तो लाहौर कदरे सिक्योरिटी वाइज एक पाकिस्तान में आज ज़्यादा मुनासिब जगह तो है, तो अगर आपने कराना, और वो हार्ट ऑफ क्रिकेट PCB का, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे बजटरी चैलेंजेस हैं वहाँ पे 70,000 लोगों को डिप्यूट करना एक केस बनता है कि दिस इज नॉट नेसेसरी राइट नाउ, और शायद ये ना करें, लेकिन जब फैसला कर लिया है तो यू शुड बैक इट। लेकिन अगर आपने पूरी दुनिया को इसका एक बावर कराना है कि पाकिस्तान में ये चीजें हो सकती है, डिबेट कैन बी हैड, लेकिन अगर अब फैसला कर लिया है तो इमरान खान साहब को इमरान खान स्टैंड में होना चाहिए था, मेरा ये ख्याल है। वाले से हाँ। उससे बड़ा नाम कोई नहीं है, उनको वहां होना चाहिए अभी था। फिर आप जावेद मियांदाद साहब के होते हुए ऐसी बात कर रहे हैं, उनसे बड़ा जॉइंट नाम कोई नहीं है, जॉइंट नाम उनको होना चाहिए था वहां पे, आई थिंक जस्ट फॉर क्रिकेट। हमें सिराजुल हक साहब ने ज्वाइन किया, जमात इस्लामी के अमीर हैं, सिराजुल हक साहब बहुत शुक्रिया, मैच देखने आप भी जा रहे हैं सर, ये एक बड़ी फतह है पाकिस्तान स्टेट और पाकिस्तानी लोगों के लिए,
या फिर आप समझते हैं कि ये कॉशियसली एक ऑप्टिमिज्म हमें दिखाना जो है वो सही है? नफरतों का एक माहौल है इसमें खेल मोहब्बतों का एक पैगाम बनता है, और चूंकि लाहौर में, क्वेटा में, पेशावर में, कराची में इतने सारे वाकयात हो गए जिससे लोग बहुत परेशान हैं, ऐसे में एक मैच का होना चंद लम्हों के लिए लोगों को एक खुश रखने का एक जरिया बनता है। बाकी सियासत का और खेलों की दुनिया बिल्कुल अलहदा होना चाहिए, और खेल को खेल ही रखे तो ये अच्छा है खेल के लिए। बहुत अच्छी बात की आपने सर। इसमें इमरान खान साहब आपके इत्तेहादी जो हैं सुबह पख्तूनख्वा में, उनके व्यूज़ और उनकी नेगेटिविटी के हवाले से आप फिर क्या कहेंगे सर, इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि आपने खुद कहा कि खेल को खेल रखें सियासत को सियासत? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप इसको अगर सियासत खेलों के अंदर लाएं या खेल को सियासत के अंदर ले आएं तो दोनों को नुकसान होगा। इमरान खान साहब ने अगर बात की भी है तो सिक्योरिटी वजह से की है, इसका मतलब ये तो नहीं लिया जाए कि वो कोई मनफी सोच रखते हैं खेलों के हवाले से। आप ये बात आपकी दुरुस्त है सर कि सिक्योरिटी इश्यूज तो हैं, ये कोई नहीं डिनाई कर सकता कि ये आसान फैसला नहीं होगा, लेकिन अगर एक दफ़ा ये फैसला ले लिया जाए, और जिस तरह आपने भी किया है हुब्बुल वतनी में आपने किया है, आप भी ऑपोजिशन में हैं लेकिन आपने फैसला किया कि आप मैच पर जाएंगे, तो आपने एक तरह से साथ दिया पाकिस्तान की आवाम का इस एफर्ट का कि हम मुल्क को, दुनिया को बावर करा सकें कि पाकिस्तान में ये काम अब हो सकता है, ऐसा इमरान खान साहब क्यों नहीं सोचते? वैसे अगर 20-25 हज़ार लोग स्टेडियम में आ जाएं और बाकी 19 करोड़ लोग तो स्टेडियम में नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये 19 करोड़ लोग जो स्टेडियम में नहीं पहुंच सके वो इसके खिलाफ है। सर इमरान खान साहब 19 करोड़ नहीं है, वो इमरान खान है, वो पाकिस्तान के सबसे बड़े क्रिकेटर हैं। आप उनसे बड़े 19 करोड़ का आप नहीं गिन सकते उनको आप। शेख रशीद अहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। शेख साहब बहुत बहुत मेहरबानी आपने हमें ज्वाइन किया। सर बात यही हो रही कि बेशक ये बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है सिक्योरिटी का, और इमरान खान साहब सही कहते हैं कि शायद ये जेन्युइन राय थी कि ये मैच या नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब ये फैसला हो गया कि यह मैच हो रहा है तो वो भी लाहौर से ताल्लुक़ है उनका, उनको बढ़ चढ़ के इमरान खान स्टैंड में नहीं होना चाहिए था, जिस तरह से सिराजुल हक साहब से हम बात कर रहे हैं वो जा रहे हैं, आप मैच में जा रहे हैं, तो इमरान खान साहब क्यों नहीं जा सकते? भाई ये उनसे पूछे, मैंने तो उनको कहा था कि आपका बल्ला निशान है, आप कंधे पे रख के दाखिल होते तो सही बात की आपने। चलें सर, आप इमरान खान साहब की बात छोड़ते हैं, आप किस तरह देखते हैं सर कि पाकिस्तान के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे ये नहीं मालूम है कि नहीं है, मैं दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने जा रहा हूँ, मैं अपना हिस्सा डाल रहा हूँ दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के खिलाफ, जो इस मुल्क में मजहबी मुनाफरत और मुनाफकत और तशद्दुद और की जो एक फजा है उसका यही नतीजा है कि लोगों की खुशियों में लोग शरीक हों और कॉमन क्लास में शरीक हों और लोगों में खौफ खत्म हो, लोगों में खौफ खत्म हो, और ये ठीक है। वेल डन शेख साहब, किसी टीम को सपोर्ट कर रहे होंगे? हाँ जी, मैं पख्तून जलमे को कर रहा हूँ, प्रेशर में थी उसे निकाला है वहां से। आपके हलके में पख्तून क्या बलोचियों से या क्वेटा वालों से ज्यादा हैं, क्या इसलिए कर रहे हैं या आपको वैसे ही टीम ज्यादा पसंद है? आप बहुत समझदार हैं, आप मेरी नब्ज़ को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, हमेशा ये हुआ मेरे यहाँ बड़ी नकले मकानी हुई है पेशावर और इलाका गैर में नहीं, वो शेख साहब वो स्टैंड के अंदर मुझे पता नहीं आप पेंटेड है, लेकिन पहले होता था सियासी नारों से गुरेज करें, आप फॉलो करेंगे इस लाइन को? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं खुद तो कुछ नहीं करूंगा, अगर बना बनाया मिला तो मैं देखता रहूंगा। तो अगर गो नवाज गो की कोई लहर हुई तो उसका हिस्सा आप जरूर बनेंगे? पागल का नोटिस लेना चाहते हैं और आबद शेर अली का जो कहते हैं मैं मास्टर माइंड हूँ और गन डालने आ रहा हूँ, मैं तो खलूस से जा रहा हूँ, ट्रेन से जा रहा हूँ। सर आप आखिरी सवाल आपसे, वजीर आजम के इस फैसले को कैसे देखते हैं? सर जुर्रतमंदाना फैसला तो है, अब मुनासिब था या नहीं वो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने बहरहाल ये फैसला किया कि नहीं हम दहशतगर्दी के सामने ये दिखाएंगे कि हम जिंदगी उसी तरह गुजारेंगे जिस तरह हम गुजारते हैं, तो आप इस वजीर आजम के इस फैसले को किस तरह देखते हैं सर?
आप एक दफा मुझे कह दें कि आपको नहीं पता कि किसका फैसला था, who's behind the face, face behind the case या case behind the face. एक दफा आप मुझे कह दें, I believe you, कि आपको नहीं पता कि which face is behind this case. तो यानी हर a lot of faces are behind this case. हर अच्छा काम जो है वो नवाज शरीफ के पेन से हो तो उन्होंने नहीं किया, बुरा हो तो उन्होंने किया है, फिर तो हम ये समझेंगे. मैंने तो यही कहा बुरा हो, मैंने तो आप पे छोड़ा है, आप मेरा मतलब है. ठीक है, मेरे ख्याल से शेख साहब मिडिल ग्राउंड अगर ढूंढ ले तो सबका एक जॉइंट एफर्ट है, और इसके अंदर साथ देना जो है वो एक बड़ी बात है. और शेख साहब आपको मैं सराहना चाहूंगा इस हद तक कि आप वहां जा रहे हैं और आपने जो बातें की, जो आपने जज्बात का इजहार किया, आई थिंक आपने हुब्बुल वतनी में पाकिस्तान और पाकिस्तान सिराजुल हक साहब दिया, और सिराजुल हक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, और आपने जो आपके फैस उसकी हम तारीफ करते हैं. और मोई जाफरी साहब अगेन के बहुत बड़ी बात होगी ये मैच अच्छी तरह हो जाए. मैं मानता हूँ कि जिन सिचुएशन जिस सर्कमस्टांसिस में हो रहा है, इट डजेंट इट विल नॉट मीन कि अब हमारे मसले हल हो गए, लेकिन एक पहला कदम है ये कहने का कि हम अपनी ज़िंदगी उसी तरह गुजारना चाहेंगे और गुजारेंगे. इस पहले कदम में सारे सियासतदानों को एक ही का मुजाहरा करना चाहिए. वंस द डिसीजन इज मेड, उससे पहले हो गया, उससे पहले इट्स अ जेन्युइन कंसर्न. अगर आप समझते थे मया मैच नहीं हो, आप बिल्कुल, और खास तौर पे एक ऐसे सियासतदान कोई गलत बात नहीं जिसके नाम पे ऑन मेरिट एक स्टैंड है उस स्टेडियम में. एक ये फैसला हो गया पूरी कौम का, मिनहसल कौम इस फैसले के पीछे खड़ी थी जी, तो उस वक्त नेगेटिविटी दिखाना क्या सही था? और ये भी शेख साहब की बहुत बहुत सही बात है कि अगर वो चले जाते तो खान साहब वुड हैव स्टोलन द शो, सबसे बड़े हीरो स्टेडियम में इमरान खान होते. और मोइज जाफरी यही चीज अगर उन्हें कोई पार्लियामेंट के हवाले से भी बता देता, ठीक है, ही वुड हैव स्टोलन द शो, तो शायद कई साल पहले पाकिस्तान की सियासत कुछ और होती. नाज़रीन बेहद शुक्रिया आपका, आपने हमें शो को देखा. कल हम भी सब आपके साथ क्रिकेट ही देखेंगे, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते की शाम 7:05 पे फिर.